तो पहले हम ट्रांसपोर्टेशन का एक इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं, क्योंकि इंट्रोडक्शन अगर हमारे पास नहीं पहचान में है हमारे पास, तो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं आएगा। इसी वजह से हम लोग इंट्रोडक्शन देख लेते हैं थोड़ा। हम लोग क्यों ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग को पढ़ेंगे, इसका क्या महत्व है, ये कैसे हमारे लाइफ को और भी ज़्यादा आसान बनाता है। ठीक है, तो कुछ कुछ बातें हमारे साथ लिखते जाइए आप, जो कि है कौन कौन सी चीज़ जो हमारे जीवन को आसान बनाती है। ठीक है, पहले है इम्पॉर्टेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ओके, इम्पॉर्टेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इसके अंदर कैसे ये हमारे लाइफ को आसान बनाते हैं, उसका फर्स्ट पॉइंट हम लिख सकते हैं रोल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। रोल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एक पॉइंट आप लिख सकते हो। इसका कोई भी इम्पोर्टेंट शायद नहीं होगा कोई किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, पर एक जनरल व्यू आने के लिए जितने संक्षेप में लिख सकते हैं उतने शॉर्ट में हम लिखने की कोशिश करेंगे। रोल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मतलब ये हमको एक सेफ, इकोनॉमिकल, एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। यही तो इम्प्रूवमेंट ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ का एक मेन ऑब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिव है क्या? ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड सेफ, इकोनॉमिकल एंड एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन यही होता है रोल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। और दूसरा क्या रोल है, वो है इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर क्या आते हैं, देखिए इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब जो भी प्रोडक्ट का कंजम्पशन होता है मेरे पास, वो पहले ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए हमारे घर पर आते हैं और उसके बाद हम उस चीज़ को कंजम्प करते हैं। तो जितने आसानी से, जितने कम पैसे से वो चीज़ हमारे घर में आए, उतना ही कम पैसा हमको लगेगा। सो इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है इकोनॉमिकल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, इसका मतलब प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। प्रोडक्शन मतलब जब कोई फैक्ट्री में कोई चीज़ मैन्युफैक्चर होते हैं उसको कहते हैं हम प्रोडक्शन, और कंजम्पशन मीन्स ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए वो चीज़ हमारे घर पर आएगा, इसको हम कंजम्पशन कह रहे हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब इकोनॉमिकल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। इन शॉर्ट ये भी एक ट्रांसपोर्टेशन का इम्पोर्टेंस है। एक तो है रोल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन टू प्रोवाइड ए सेफ, इकोनॉमिकल, एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन, एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर आते हैं प्रोडक्शन, इकोनॉमिकल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। नंबर 3, और एक चीज़ हम लिख सकते हैं, उसका ट्रांसपोर्टेशन का एक सोशल इफेक्ट भी है। कैसे? सोशल इफेक्ट, कुछ सोशल इफेक्ट भी है, हम उस चीज़ को डिस्क्राइब करेंगे। पहला चीज़ सोशल इफेक्ट के अंदर है सेक्शनलिज्म। व्हाट इज सेक्शनलिज्म? सेक्शनलिज्म, सेक्शनलिज्म क्या होते हैं? अगर कोई भी व्यक्ति जो रूरल एरिया में रहते हैं वो अगर अर्बन एरिया में ना जा पाए तो कैसे कल्चरल एक्सचेंज होगा? वो मतलब अगर कोई गांव का व्यक्ति शहर में जाएगा तभी तो शहर के कल्चर के बारे में उसको पता लगेगा ना, पता लगेगा तभी तो वो एडवांस होगा कि हम जो रीति रिवाज में रहते हैं, जो भी मेरा वेशभूषा है उससे अर्बन सेक्शन पीपल का वेशभूषा कुछ अलग है। तो तब उनको, उनके पास एक ऑब्जेक्टिव होगा कि हमको भी डेवलप होना पड़ेगा। हम ऐसे नहीं कह सकते तब कि ये
रूरल सेक्शन पीपल है, क्योंकि एक एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी उसको अर्बन एरिया में पहुँचा दिया, ठीक है, वो पहुँच सकते हैं अर्बन एरिया में। और अर्बन एरिया में अगर कोई व्यक्ति का जो रूरल एरिया में रहता है वो उसका आना जाना रहेगा, तो वो अर्बन एरिया के पीपल के जो भी बिहेवियर है, जो भी उसका लाइफ स्टाइल है, उसके बारे में उसको पता चलेगा और वो खुद को डेवलप करने की कोशिश करेंगे। इसके 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 वजह से क्या होगा, उनका भी लाइफ स्टाइल में कोई थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। वो भी ऐसे नहीं है वो रूरल एरिया की वो अंडर डेवलप्ड आदमी की तरह ही अपने जीवन को गुजारे, क्योंकि उनके पास, हम कहते हैं ना, दोस्त अगर अच्छा हो तो तुम भी अच्छा बन जाओगे। मतलब कि दोस्त का जो भी अच्छा गुण है वो देख देख के तुम्हारे मन में भी एक मोटिवेशन डेवलप होगा कि हमको भी इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा, हमको भी उनके तरह होने पड़ेंगे। ठीक है, ये है सेक्शनलिज्म। इसको ज़्यादा डिस्क्राइब करके लिखने की कोशिश हम अभी नहीं कर रहे, क्योंकि ये एक शॉर्ट नोट है। इन शॉर्ट अगर इसको डिस्क्राइब करना चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं कि रूरल रूरल पीपल हु लिव्ड इन रूरल एरिया, ऐसे लिख सकते हैं, पीपल हु लिव्ड इन रूरल एरियाज गेट स्कोप टू कम्युनिकेट विथ अर्बन सेक्शन पीपल दस ए कल्चरल एक्सचेंज दस अ कल्चरल एक्सचेंज इज हैपन एंड कंसिक्वेंटली वी कैन रिड्यूस सेक्शनलिज्म। ऐसे हम इन शॉर्ट में इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। और सेकेंड जो एक पॉइंट होते हैं वो है कंसेंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन। इसका मतलब क्या है, जो व्यक्ति अर्बन एरिया में रहते हैं वो उसका बेनिफिट के बारे में बाकायदा जानते हैं। ठीक है, एक व्यक्ति अगर अर्बन एरिया में कभी भी जाए रूरल एरिया से, वो अगर देखे कि उस जगह का जितने भी लोग रहते हैं उसका वेशभूषा, उसका जो लाइफस्टाइल है वो काफ़ी इम्प्रूव्ड है रूरल एरिया की तरह, रूरल एरिया से ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो उस समय में वो क्या चाहेगा कि हम भी अर्बन एरिया में रहे ताकि हम भी वही फैसिलिटी यूज़ कर सकते हैं सके जो कि अर्बन सेक्शन पीपल के अंदर अर्बन सेक्शन पीपल यूज़ कर रहे हैं, और उसको उस तरह की लाइफस्टाइल हम भी डील कर सकते हैं अगर हम अर्बन एरिया में जाए तो। तो अगर सभी व्यक्ति अर्बन एरिया में जाने की कोशिश करेगा तो क्या होगा, अर्बन एरिया में ज़्यादा कंसंट्रेशन हो जाएगा ना पीपल का। सभी लोग चाहते हैं कि अर्बन एरिया में रहे, जैसे कि हम चाहते हैं कि न्यूयॉर्क सिटी में रहे, हम चाहते हैं कि दिल्ली जैसी सिटी में रहे। अब तो अभी तो जानते ही हैं दिल्ली में पॉल्यूशन कितना बढ़ चुके हैं। ठीक है, तो सिर्फ पॉपुलेशन बढ़ने से बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं, जैसे कि अगर स्लम्स डेवलप किए हो जाए, जैसे कि बहुत सारे लोग वहाँ पे रहना चाहते हैं, तब एसोसिएटेड प्रॉब्लम जो होगा वो सब कुछ उसी समय में हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे आ गए। तो इसी वजह से कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इफ वी हैव नॉट द एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़। सो कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन ये भी एक सोशल इफेक्ट है जो कि एक एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी के ज़रिए हम
डिमिनिश कर सकते हैं, ठीक है। और एक पॉइंट अगर मैं डिस्क्राइब करना चाहूँ तो वो है सेफ्टी, सेफ्टी लॉ एंड ऑर्डर, सेफ्टी आई मीन बॉर्डर सेफ्टी, इट्स बेटर बॉर्डर सेफ्टी, बॉर्डर सेफ्टी, बॉर्डर सेफ्टी। जैसे कि चाइना के साथ अभी हमारा कोई प्रॉब्लम चल रहा है, तो अगर बॉर्डर सेफ्टी अगर नहीं ना कर सके तो आप देख भी सकते हो कि बॉर्डर के पास में बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन होने की चांसेस अभी है और हो भी रहा है, अभी बहुत रैपिडली वो काम हो रहा है। क्योंकि अगर किसी भी युद्ध का मेन बुनियाद होता है उसका रेशन, उसका इक्विपमेंट, अगर वो उस जगह पर नहीं पहुंच पाए तो वो युद्ध आप पहले ही हार चुके हो, ठीक है, लड़ने की कोई वजह ही नहीं रहेगा। क्योंकि आपके पास जितने भी जवान वहाँ पे रहेगा उसके पास अगर रहने के लिए खाने के लिए कुछ चीज़ नहीं होगा तो उसके एनर्जी कैसे आएगा, वो कैसे लड़ेगा, ठीक है। सो बॉर्डर सेफ्टी इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इफ़ वी हैव नॉट एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़, वी हैव टू कीप इन माइंड। सो द सोशल इफेक्ट इज सेक्शनलिज्म, कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन एंड बॉर्डर सेफ्टी। उसके बाद हम रूरल एरिया में जो भी व्यक्ति रहते हैं उसके लाइफ को और भी ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, कैसे, देखिए ये भी एक पॉइंट हो सकते हैं, डेवलपमेंट रोल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज, रोल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज, ये भी एक पॉइंट हो सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए अगर कोई व्यक्ति रूरल एरिया में रहता है, एक तो एक बात तो हमने पहले ही जान चुके हैं वो है सेक्शनलिज्म, और क्या क्या चीज़ हम कर सकते हैं जो कि एक एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अगर रहेगा तब भी वो चीज़ आ पाएगा, वरना नहीं होगा, ठीक है। वो ऐसे चीज़ है कि अब समझो कि कोई व्यक्ति जो फार्मर नहीं है, उसके लाइफ का फार्मिंग में उसका उतना इंटरेस्ट नहीं है, तो जॉब करने के लिए उसको तो जाना पड़ेगा ना अर्बन एरिया में, अगर बेटर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी नहीं रहेगा तो कैसे जा पाएगा अर्बन एरिया में। सो इसे हम शॉर्ट में बोल सकते हैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाएगा, इट इंक्रीजेस, increases एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। और एक बात, जो भी फार्मर वहाँ पे जो भी फसल उगा रहे हैं वो फसल को वो एक डाइवर्सिफाइड एरिया में बेच सकते हैं, ताकि वो दो चार मार्केट घूम के जहाँ पे मैक्सिमम पैसा मिलेगा उसका जो भी प्रोडक्ट वो बेचना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या होगा, उसका लाइफस्टाइल भी इन्हेंस्ड होगा, क्योंकि वो ज़्यादा पैसे में अपने सामान को बेच सकते हैं, तो इसके वजह से उसका भी लाइफस्टाइल में थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो सकता है। सो इसे हम कह सकते हैं डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, ये भी पॉसिबल है किसी भी फार्मर के लिए, किसी भी जो वहाँ पे लोकल वेंडर है उसके लिए डाइवर्सिफिकेशन नहीं होगा तो ऐसे भी हो सकता है कि कोई कुछ कोई प्रोडक्ट नहीं बेचा जा सकता, क्योंकि वहाँ पे रह के खराब भी हो सकता है। सो डाइवर्सिफिकेशन इज़ वेरी मच नेसेसरी, सो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, ये भी एक पॉइंट है। और एक पॉइंट आप बोल सकते हैं कि जो रूरल प्रोड्यूसर्स है, और ये दो पॉइंट भी सफिशिएंट है जी, क्योंकि हम लोग इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा अभी, तो ये दो पॉइंट ही मुझे याद आ रहा है, रोल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज, दो ही मेन पॉइंट है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ और
ज़्यादातर लोग जो भी रूरल एरिया में रहते हैं वो खेती बाड़ी करते हैं, तो उसके लिए जो भी प्रोडक्ट वो उगा रहे हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा एक लार्ज मार्केट चाहिए, ताकि वो टैली कर सके कि इस मार्केट में एक प्रोडक्ट का दाम सबसे मैक्सिमम है, उस जगह पे वो बेच सके। और एक जो बात है, वहाँ पे जो भी बच्चे लोग पढ़ रहे हैं, जो भी एस्पिरेंट है, उसके लिए भी ये भी ज़रूरी है कि वो अगर फार्मिंग में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं तो उसके लिए एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटी भी होनी चाहिए। ये दो मेजर इंपॉर्टेंस है, और कुछ जानने की अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आपके आपको एक ओवरव्यू देने के लिए कि आप ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग क्यों पढ़ेंगे। इसको इतना ज़्यादा डिटेल में बोलने की अभी कोई आवश्यकता मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, ठीक है। तो ये हुआ कुछ इम्पॉर्टेंट्स बात जो कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए ज़रूरी है। और एक बात हम बोलना चाहते हैं कि डिफरेंट मूड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, क्या क्या मूड्स हैं आपके पास ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो इसका एक पॉइंट कर रहे हैं, डिफरेंट मूड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, डिफरेंट मूड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ओके, आप खुद भी समझ सकते हैं क्या क्या ट्रांसपोर्टेशन आप अपने आँखों से देख सकते हैं, क्या क्या मूड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होते हैं। बेसिकली एक तो होता है लैंड में कुछ एक ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़, लैंड लैंड में क्या क्या ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी हो सकते हैं। एक तो है हाईवे और एक है रेलवे। आप भी देख सकते हो कि हाईवे भी लैंड में पॉसिबल है और रेलवे भी पॉसिबल है, रेलवे रेलवे। ओके, एक है लैंड लैंडवे, हम भी बोल सकते हैं, जो कि भूमि के ऊपर होते हैं, ठीक है। एक है वाटरवे, वाटरवे वाटरवे के अंदर क्या होते हैं, पोर्ट एंड हार्बर, जो कि जहाज़ आते हैं जाते हैं, उसे हम कहते हैं पोर्ट और हार्बर। और एक है वो है एआरओए। इंजीनियरिंग करने के लिए आपको पास एक तो चीज़ होने चाहिए, क्योंकि आपके पास अगर अपने आसपास में क्या हो रहा है उसके ऊपर आपके पास नज़र होना चाहिए, वरना कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। एयरपोर्ट ऐसे कह सकते हैं, एयरपोर्ट एयरपोर्ट। बस यही एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का, कि क्यों हम पढ़ेंगे और क्या मूड डिफरेंट मूड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए, एक है इंपोर्टेशन इंपोर्टेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, पहले है रोल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, उसके अंदर है मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड सेफ इकोनॉमिकल एंड एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन, एंड देन है इकोनॉमिक एक्टिविटी, उसके अंदर आते हैं इकोनॉमिकल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। प्रोडक्शन मीन्स जो भी प्रोडक्ट हम बनाएंगे किसी भी फैक्ट्री में उसको हम प्रोडक्शन कहेंगे, क्योंकि प्रोडक्शन के लिए कैसे इन ट्रांसपोर्टेशन इफेक्ट करेगा, क्योंकि जो रॉ मटेरियल है वो भी तो आना पड़ेगा ना फैक्ट्री के अंदर, उसके बाद ही तो प्रोडक्शन होगा। तो इकोनॉमिकल प्रोडक्शन होने के लिए भी एक एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है, वरना एफिशिएंट इकोनॉमिकल प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। अगर रॉ मटेरियल आने में ज़्यादा पैसा लगेगा वो भी तो एक कंज्यूमर से ही उठाया जाएगा, ठीक है। और कंजम्पशन मतलब जो भी एकदम फिनिश्ड प्रोडक्ट है वो भी तो कंज्यूमर के पास ले जाना पड़ेगा ना, तब भी तो हम उसको कंज्यूम कर पाएंगे। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, इकोनॉमिकल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। सोशल इफेक्ट के अंदर सेक्शनलिज्म, ये बात थोड़ा सा इलेबोरेट कर लिया मैं दरा सा, क्योंकि ये एक शॉर्ट नोट है, ऐसा इलेबोरेशन नहीं चाहिए था। तब भी सेक्शनलिज्म एक टर्म है, उसको कुछ कुछ समय में हम भूल भी सकते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा डिराइव कर दिया। पीपल हु लिव इन रूरल एरियाज गेट स्कोप टू कम्युनिकेट विथ अर्बन सेक्शन पीपल, पीपल दस ए कल्चरल एक्सचेंज इज हैपेंड एंड कंसिक्वेंटली वी कैन रिड्यूस सेक्शनलिज्म। ओके, ये एक सेक्शनलिज्म है। और कंसनट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन, इसे हम लिख सकते हैं कंसनट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन इन अर्बन एरियाज, अर्बन एरियाज ये बेहतर होगा, क्योंकि कहाँ पे कंसनट्रेशन हो रहा है, अर्बन एरियाज, लीडिंग टू एसोसिएटेड प्रॉब्लम, लीडिंग टू एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स, ठीक है। आप मेरे भी साथ नोट करते जाइए, तो आपके पास भी एक फिनिश्ड अच्छा शॉर्ट नोट बन जाएगा। आप
बाद में सब्जेक्ट को यहाँ से रिविजन कर सकते हैं, ठीक है। और एक बॉर्डर सेफ्टी, बॉर्डर सेफ्टी तो इटसेल्फ इज़ अ बिगेस्ट प्रॉब्लम, उसके लिए भी एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन की बहुत ज़रूरी है। और क्या है इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, वो है रूरल एरिया में जो भी व्यक्ति रहते हैं उसके लाइफ को कैसे हम इन्हेंस कर सकते हैं। उसमें एक है जो भी व्यक्ति फार्मिंग में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं उसके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ जाएगा, और जो भी व्यक्ति फार्मिंग कर रहे हैं उसका जो प्रोडक्ट, वो जो भी फसल उगा रहे हैं उसके लिए भी एक डाइवर्सिफाइड मार्केट का एक अपॉर्चुनिटी तैयार हो जाएगा, उसके लिए उसको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा, इससे उसके लाइफ का भी बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। जैसे कि हम सुनते हैं फार्मर बहुत गरीब होते हैं, उन्होंने सुइसाइड कर लिया, ये भी चीज़ हमको नहीं सुनने पड़ेगी, ठीक है। और डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के अंदर क्या है, लैंड वे उसके अंदर हाईवे एंड रेलवे, वाटर वे के अंदर पोर्ट एंड हार्बर, एंड एयर वे के अंदर एयरपोर्ट। उम्मीद है आप सबको अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।